क्या किन्नर है करण जौहर? खुद करण जौहर ने क्या खुलासा कि मैं दूसरे लड़कों जैसा नहीं हूँ। करण जौहर ने अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि ये कब और कैसे हुआ उन्हें एहसास कि वो दूसरे लड़कों जैसे नहीं है। करण ने अपनी सेक्सुअलिटी पर बात करते हुए बताए अपने एहसास। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्माता करण जौहर को उनकी सेक्सुअलिटी को पसंद को लेकर कई बार ट्रोल किया जाता है। कई मौकों पर वो बता चुके हैं कि वो बचपन से अपने शरीर को लेकर काफी शर्मिंदा महसूस किया करते थे। एक वक्त ऐसा था जब उन्होंने अपने खाने में ही अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लिया था। हाल ही में पॉडकास्ट के साथ बातचीत में करण जौहर ने अपने बचपन के उस वक्त को याद किया जब वो अपनी सेक्सुअलिटी का एहसास उन्हें होने लगा था। मैं उन जैसा नहीं हूँ, वो जो कहना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जिस गेम या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, उनकी जो बातचीत है, फितरत है, उनकी पर्सनैलिटी, सब कुछ मिलाकर वो उनके जैसे नहीं है, ये एहसास उन्हें तब हो गया था। करण ने आगे कहा कि जो वजन मैंने बढ़ाया था 7 से 9 साल की उम्र में, फिर मैं एक ऐसे जोन में चला गया कि मुझे सिर्फ खाने में ही कंफर्ट दिखने लगा। डेजर्ट चॉकलेट ही उन्हें कंफर्ट दे रहे थे। मुझे जो नहीं मिल रहा था मुझे खाने में मिल गया। मैं खुद से ही लड़ रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अलग क्यों हूँ, दूसरे लड़कों के जैसा क्यों नहीं। अपने मोटापे और ट्रोलिंग पर करण ने कहा कि जब वो कॉलेज में ढीले कपड़े पहनते थे तो लोग उन्हें छेड़ा करते थे। करण ने बताया कि उनके लिए एक शब्द भी इस्तेमाल किया जाता था, पेंजी, जो कि एक नपुंसक के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द था। करण ने कहा कि ये शब्द उन्हें काफी परेशान किया करता था। ट्रोलिंग से भी ज्यादा असर उन्हें इस शब्द से पड़ता था। फेर डिसूजा शो में भी करण ने इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने बताया कि वो काफी शर्मीले थे, खुद में रहने वाले बच्चे थे, वो सिर्फ किताबों में और फिल्मों में खोए रहते थे। उन्होंने बताया कि वो ऐसे ट्रोलिंग के कारण काफी भारी मन से स्कूल जाया करते थे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।